महापादपादनमस्तवर्गमुहेयाज्वन्यं सर्वांगे शुष्णानं समर्पयामि सकलोपचारादिगन्धापुष्पाणि समर्पयामि धूपो दीपस्य नैवेद्यं नवेदयामि ॐ गन्धद्वारं दुराधर्षं नित्यपुष्टं गिरीश्वरी ईश्वरी सर्वभूतानां तामि उपवेश्री अम्मा ओं तं गंधर्वावखणिस्वामींद्रम बृहपदे सोमो राजा विद्वान यक्षमाद्यत किसी को बोलना है सर लक्ष्मी के पत्नी अम्बाऊ लक्ष्मी के पत्नी अम्बाऊ रात्रि पार्श्वे अस्त्राणि हो पश्विनो व्याकान सर्वलोक स्वस्ति स्वस्ति नो बृहस्पति ओम शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत ये बहुत खुशी की बात है। आज हमारे छोटे भाई गिनिंग ने जो शुरुआत की है जिम की, तो काफ़ी देर से जिम की लाइन में थे। पहले भी ये जिम काफ़ी दूर तक जिम की प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे, लेकिन इनके सोच थे कि अपने इलाके में बॉर्डर इलाके में और साथ में जो कंडी इलाका है एक अच्छी जिम ऐसी जिम खोली जाए जिसमें हर बच्चा जो जूथ है वो तो नशे की तरफ जा रहा है, कहीं ना कहीं डाइवर्ट होके जिम की तरफ आए। उसके लिए इन्होंने ये जगह चुनी सनी मोड़ में और बाजार इसके साथ ही बाजार में है और साथ में जो नज़दीक जो गांव है वहाँ के बच्चे जो डेली दो टाइम सुबह और शाम को जिम जाते हैं, तो बहुत खुशी की बात है। मैं तो चाहता हूँ कि सभी लोग, सभी बच्चे, सभी जो हमारी बहनें हैं जो जिम के शौकीन हैं, जो एक्सरसाइज करना चाहती हैं, वो जहाँ पर आएँ अच्छी फैसिलिटी और अच्छे तरीके से उन्होंने जिम की जो शुरुआत की है बहुत बढ़िया काम किया है, तो इसके लिए इसको मुबारक है। इसने इतना अच्छा काम किया है कि ये काम देखा जाए तो सरकारों का काम होता है कि लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी देनी, क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं कि बच्चे हमारे नशे की तरफ जा रहे हैं, नशा इतना हो चुका है। तो अगर जिम का शौक अगर बच्चे को पड़ जाए तो नशा क्या है, नशे की तरफ वो देखेगा भी नहीं। लेकिन उसके लिए पहले वो चीज़ होनी चाहिए, अगर इलाके में जिम है ही नहीं तो बच्चा उसमें जाएगा कैसे, क्योंकि हमारे लोग क्या करते हैं, अगर गाँव में अगर चार बच्चे जिम में जा रहे हैं देख के 10 जाएंगे, उसको देख के 20 जाएंगे, ऐसे तादाद बढ़ जाती है। तो बहुत बढ़िया किया है हमारे छोटे भाई ने जिनके लिए, हमारा जितना सहयोग होगा हम इसका साथ देंगे, तो इसके लिए मुबारक है इसको।